देखो बच्चों, अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट थ्री में देखेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एक्सियोम और पोस्टुलेट के बारे में हम समझेंगे। बेटा एक्सियोम टोटल जो है 7 है, वो क्या कहते हैं इसको प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा ये सारे एक्सियोम आपको लर्न होने चाहिए, पोस्टुलेट भी लर्न होने चाहिए। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट 5 एक्सियोम या राइट 5 पोस्टुलेट, सॉरी राइट 7 एक्सियोम राइट 5 पोस्टुलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरीके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पर देखेंगे एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है बच्चों? एक्चुअली एक्सियोम मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बता रखी है, फिर भी मैं एक चीज समझा देता हूँ कि जो बेटा एक्सियोम होता है वो ऑलवेज, ठीक है, इट इज यूज्ड इन होल मैथमेटिक्स। बेटा ये आपका किसी भी मैथ्स के पूरे जो पार्ट्स होते हैं, जो श्रृंखला होती है, ठीक है, ब्रांच होती है, उनके सब में यूज होता है। लाइक दैट आपका ये आपका देखो ज्योमेट्री में यूज होगा, एलजेब्रा में यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, स्टैटिक्स में यूज होगा, मेंसुरेशन में, सब जगह ये यूज होता है, ठीक है बच्चों। बट अगर हम पोस्टुलेट की बात करें, ठीक है, पोस्टुलेट्स की बात करें तो ऑलवेज यूज्ड इन, ये यूज होता है बेटा इन ओनली ज्योमेट्री। ये किसके अंदर? ज्योमेट्री में यूज होता है पोस्टुलेट। बट जो एक्सियोम बेटा वो आपके पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? चलो तो अब जो है हम आगे देखेंगे कि अब हम एक एक एक्सियोम को जरा समझते हैं कि वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखते हैं स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो देखो बेटा एक्सियोम जो है वो क्या है, ध्यान से समझेंगे। तो देखो थिंग्स विच आर, अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चों मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इसको रीड आउट करें, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखो एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि देखिए अगर मान लीजिए, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारा एक टर्म है ए, वो किसके इक्वल है बच्चों? बी के इक्वल है, ठीक है। और फिर एक टर्म लिया हमने बेटा क्या, फिर ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और ए जो है वो सी के इक्वल है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बी भी आपस में, बी और सी आपस में इक्वल है? तो पहला एग्जाम यही कहता है बच्चों, ठीक है, कि सपोज मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपकी हाइट आपके एक फ्रेंड के बराबर है, ठीक है, आपकी हाइट आपके एक फ्रेंड के बराबर है और उस फ्रेंड की हाइट तीसरे फ्रेंड के बराबर है, तो तीसरा फ्रेंड जो है वो क्या आपकी हाइट के बराबर नहीं हो जाएगा? तो यही चीज वो कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। ये चीज समझो बच्चों, देखो सपोज मान लो आप दो बाउल ले लीजिए, सपोज मान लीजिए आपने दो बाउल ले लीजिए, ठीक है, और इसके अंदर आपका मान लो वन लीटर क्या रखा हुआ है, वन लीटर मिल्क रखा हुआ है, ठीक है। आपने दोनों में दो लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो टोटल कितना लीटर हो गया बेटा? 3 हो गया, और दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इनिशियली देखो यहां पर वन लीटर था, इसका मतलब इनिशियली क्वांटिटी बराबर है। जब आपने दो इक्वल क्वांटिटी ऐड करी तो वो इक्वल सा है, यानी कि 3 लीटर 3 लीटर फाइनल आ गया, यानी कि वो भी क्या हो गया बेटा? बराबर हो गया। अब हम बेसिक चीज को समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 3 इक्वल 3, ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, 3 इक्वल 3। आपने कोई इक्वल क्वांटिटी मान लो, सपोज लेट्स से आपने क्या करा, इसमें 5 ऐड कर दिया, इसमें क्या ऐड कर दिया? 5। तो जब इसका सम जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? 8 आएगा, और वो दोनों क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब थर्ड देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम बेटा जैसे पॉजिटिव हमने मतलब ऐड किया था, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए यहां पर आप ले लेते हैं दो बाउल है हमारे पास, यहां पे आपने 2 लीटर मिल्क लिया, यहां पर आपने 2 लीटर मिल्क लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा बच्चों? यहां से 1 लीटर मिल्क निकाल दिया, यहां से भी 1 लीटर मिल्क निकाल दिया, ठीक है। तो दो पहले इनिशियल क्वांटिटी थी, दोनों दो दो लीटर के थे, यानी बराबर थे, दोनों में से बराबर क्वांटिटी 1-1 लीटर निकाली, तो बचा कितना बेटा? 1 लीटर 1 लीटर। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल्स। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4-4 कोई थे, दो इक्वल्स नंबर थे, उसमें से दो इक्वल नंबर ही आपने घटाए, मान लो 3-3 माइनस कर दिया आपने, ठीक है, तो क्या आएगा? 1-1, यानी कि दो एंड में जो क्वांटिटी बचेगी वो क्या होगी? इक्वल्स होगी, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो ये एक्सियोम और पोस्टुलेट जो होते हैं ये प्रूफ करने वाली थिंग्स नहीं होती, ये आपका बेटा एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये होता है, ठीक है, तो इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए नेक्स्ट, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर एंड इक्वल टू अनदर, ठीक है। देखो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, देखो ये हमारा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, देखो दूसरा हाथ, तो ये देखो दोनों सेम है, दोनों की लेंथ ब्रेथ हाइट वेट सब कुछ सेम है, तो ये आपस में क्या होगा? कोइंसाइड होगा, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है? एक जैसे ही, ठीक, यानी कि एक
एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल लिया, इन सबकी साइड क्या है, 5 5 है, 5 5 है, तो अगर आपस में मैं इसको एक के ऊपर एक रखूं तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, इसके सारे थिंग्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो ये समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ कह रहा है, द होल इज ग्रेटर, इज ग्रेटर द पार्ट। देखो बेटा ये चीज समझो, आप मान लो मॉल में गए पिज्जा खाने गए, ठीक है, आप मॉल में डोमिनोज में गए पिज्जा खाने गए, तो वहां पर आपने पिज्जा लिया बेचा, ठीक है, आपने क्या लिया, पिज्जा लिया, ठीक है, आपने पिज्जा लिया, दो फ्रेंड थे, तो उस पिज्जे का मान लो दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट एक फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, और दूसरा पार्ट दूसरे फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड ये सेकंड फ्रेंड, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब वो होल पिज्जा आया था तो क्या ये वाला जो पार्ट है वो साहब आपको क्लियर मेंशन दिख नहीं रहा कि ये वाला पार्ट ये होल पार्ट से छोटा है, ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। समझ में आ गया बच्चों कि जो होल पार्ट होता है वो कम वाले से, जो उसका पार्ट हो जाता है वो उससे ज्यादा होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ये चीज समझिए बच्चों, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए कोई दो नंबर लिए मैंने, दो नंबर लिए मैंने ए इक्वल टू बी, ठीक है, और ए इक्वल टू सी, ठीक। तो देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने इसका डबल किया और इसका भी डबल किया, तो क्या अभी देखो b इक्वल टू टू ए है और c इक्वल टू टू ए है, तो क्या b और c आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। मैंने किसी भी क्वांटिटी का अगर डबल कर दिया तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो जो हमारे जो अगर ये चीज इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो b और आपस में c बराबर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सेम थिंग्स ऐसा होता है आपका फिफ्थ पार्ट में, थिंग्स विच आर हाफ। अब हम यहां पर डबल कर रहे थे, अब मैंने लिया ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी, अब मैंने क्या कर बेटा इसका हाफ कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया इसका हाफ कर दिया, देखो हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए सी है, तो क्या बी सी के इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने सेवन एग्जाम को एक्सप्लेन कर दिया आपको, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। देखो बच्चों, अब हमने एग्जाम हमने समझा था, अब हम पोस्टुलेट को समझते हैं। पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट वो चीज होती है सिर्फ हमारी जो ज्योमेट्री के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, जो सिर्फ हमारा ज्योमेट्री के अंदर यूज होता है, उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो यहाँ पे पांच पोस्टुलेट है, ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ लेते हैं कि राइट फाइव पोस्टुलेट, तो प्लीज आप लोग जो है ध्यान से इसको समझें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है बेटा, पोस्टुलेट वन कहता है कि स्ट्रेट लाइन मे बी ए ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू ना अनदर पॉइंट, ठीक है। देखो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया बेटा, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इस पॉइंट से एक लाइन यहां तक हमने खींची और यहां तक ले गए, तो क्या रहा है कि क्या दो पॉइंट से बच्चों हम जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हाँ जी करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करा जा सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ए टर्मिनेटेड, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वहां से हिंदी में रीड करें, बाकी बायलिंगुअल में यहां पे समझा रहा हूं बच्चों। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, ठीक है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अब जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई लाइन है हमारी टर्मिनेट हो गई, ठीक है, तो इसे हम आगे इनफाइनाइटली तक बढ़ा सकते हैं बच्चों, आगे हम ये दूसरे पोस्टुलेट के हैं, आगे इस लाइन को इनफिनिटली कितना भी बेटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी है, बढ़ती जा रही जोड़ते रह रहे, टर्मिनेट हो गई ना वो, मतलब हमने उसे रोका नहीं तो वो बढ़ती जा रही कितनी दूर तक जा सकती है, ठीक है। थर्ड देखो क्या, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस एनी सर्कल, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एनी रेडियस का, ठीक है। तो बेटा हम एनी रेडियस होगा यहां पर, ठीक है, एनी रेडियस, ठीक बच्चों। तो देखो एनी रेडियस का ये सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर और एनी रेडियस, देखिए ध्यान समझिए। देखिए एक हमारे ये सेंटर है बच्चों, यहां से मान लो सपोज लेट से मैंने आर की वैल्यू 3 ली और एक कंपास लिया, ठीक है, और पेंसिल भी प्रकार लिया और हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो हमारे रेडियस का 3 एक सेंटर हो गया, एक रेडियस का 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। सपोज मैंने आर की वैल्यू 4 ली, ठीक है, एक सेंटर लिया, कंपास लिया, पेंसिल ली एंड देन ड्रॉ, तो अब हम आर की वैल्यू 4 ली तो हमारा दूसरा सर्कल ड्रॉ होगा। तो बेटा एक सेंटर और एक रेडियस से हम कितने भी मतलब अलग अलग सर्कल बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल की रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कहता है फोर्थ पॉइंट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।
बेटा जितने भी राइट एंगल बनते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं आपस में, वो सब क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं बच्चों। तो देखो जैसे मान लो मैं ऐसे राइट एंगल बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऐसे राइट एंगल बनाऊं ये 90 डिग्री, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं राइट एंगल ये 90 डिग्री, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके बनाऊं ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये सारे क्या होंगे बच्चों, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सारे क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। चलो अब आता है बेटा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये कहता है कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, तो बता देते हैं, दो स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइन ले ली, और ये मैंने नाम दे दिया इसका, सपोज मान लो इसका दे दिया एल और इसका दे दिया एम, और तीसरी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सीरीज के पार कर रही है, तीसरी एक स्ट्रेट लाइन सीरीज के पार कर रही है, मान लो लेट्स से एम, सॉरी एम ले लीजिए, लेट्स से एम, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन, देखो ये दो स्ट्रेट लाइन थी, एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इस पर क्या हो रही है, फॉल कर रही है, मतलब काट रही है उसे, इट टूगेदर, ठीक है, इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 प्लस 90, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, सम कोण का मतलब 90 डिग्री, जब टू राइट एंगल को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 180 आएगा, इसे बोलते हैं हम कौन सा बच्चा, इसे सरल कोण या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक। तो जो टू राइट एंगल आए, देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल, इसका मतलब ये बेटा देखो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं, इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने यहां पर एक दो इंटीरियर एंगल्स ले लिए इधर और इधर भी ले लिए, ठीक है, लेट्स से इसका नाम दे दिया 1, इसका 2 और इसका 3 और इसका 4, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो ये इस लाइन के इंटीरियर एंगल्स हो गए 1 और 3, बाकी इंटीरियर एंगल्स इस एलजी में डिटेल में भी चैप्टर 6 में एक्सप्लेन करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है बच्चों। अच्छा ये इंटीरियर एंगल हो गए 2 और 4, 2 प्लस 4। अब ये कहता है बच्चों, ये कहता है कि देखिए पोस्टुलेट में क्या है कि अगर इन दोनों का सम बेटा लेस देन 180 है या फिर टू राइट एंगल से कम है तो इन दोनों लाइनों को अगर वहां पर हम प्रोसीड करें तो वहां पर वो आगे जाके मीट कर जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहां पर अगर ये कम होगा बच्चों 180 से या फिर टू राइट एंगल से तो इधर जाके मिल जाएगी। तो बस वही चीज है, इन दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे हम इसे आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये आगे जाके किसी एक पॉइंट पे क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी बच्चों। तो यही इस फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बता रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और जैसा शेयर करें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी बच्चों को मेरा राम राम, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा कंप्लीट हो चुका है।